अपने पैर जमाने हैं। बीताओं की दुनिया में अगर नाम कमाना है तो एक हिट फिल्म काफ़ी नहीं है, और साथ ही यहाँ पर अगर आपको आगे चलते जाना है तो क्रिटिसिज्म से डील भी करना पड़ेगा। फिलहाल यही सब करती हुई दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा नजर आ रही हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग नेक्स्ट नाइन न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जहाँ हम आपसे बात करने वाले हैं सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। सोनाक्षी सिन्हा जिन्होंने साल 2010 में आई फिल्म दबंग से किया डेब्यू, ये फिल्म रही सुपरहिट। लोगों को लगा कि अब सोनाक्षी तो लंबी पारी खेलने वाली है। पारी तो सोनाक्षी खेल ही रही हैं, लेकिन ये पारी हर बार सक्सेसफुल उनके लिए साबित नहीं हो रही। अक्षय कुमार से लेकर शाहिद कपूर तक कई बड़े सितारों के साथ सोनाक्षी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं, मगर बावजूद इसके पहले तो उनकी हर फिल्म हिट नहीं होती, और जो फिल्म हिट भी होती है उसका क्रेडिट दे दिया जाता है मेल एक्टर्स को, और सोनाक्षी के हिस्से आता है सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म। आज सोनाक्षी सिन्हा के करियर पर उठ रहे सवालों से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ के साथ जुड़े विवादों पर हम करने वाले हैं आपसे चर्चा। ये विवाद है उनकी शादी से लेकर उनके MMS वायरल होने तक, ये विवाद है, ये सवाल हैं दबंग के सक्सेसफुल हो जाने के बाद कलंक में सोनाक्षी के कैरेक्टर में जान नहीं है, लोगों का ऐसा है कहना। यहाँ तक तो कैसी रही है सोनाक्षी की ज़िंदगी? 9 साल हो चुके हैं सोनाक्षी सिन्हा के करियर को बॉलीवुड की दुनिया में। 2010 से लेकर आज 2019 तक सोनाक्षी पर किस तरीके से सवाल उठे, उनके मोटापे को लेकर लोगों ने किस तरीके से उनका मजाक उड़ाया, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो हर किसी को सोनाक्षी से सीखनी चाहिए, क्रिटिसिज्म से प्राउडली डील आउट कैसे करना है, ये बखूबी जानती हैं सोनाक्षी सिन्हा। डालिए नज़र इस खास रिपोर्ट पर, कैसे रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा के ये 9 साल। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा साल 2010 में सलमान खान की फिल्म दबंग से बॉलीवुड की दुनिया में डेब्यू करने वाली सोनाक्षी सिन्हा की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा गई। यहां पर सोनाक्षी सिन्हा को सफलता मिली और दबंग गर्ल के नाम से वो मशहूर हो गई। आज सोनाक्षी सिन्हा पर हम आपसे बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले सोनाक्षी सिन्हा के विवादों से शुरू करेंगे। बता दें आपको, सोनाक्षी सिन्हा की गुपचुप शादी से लेकर उनका बाथरूम MMS तक सोशल मीडिया पर वायरल होकर चर्चा बटोर चुका है। जी हाँ, एक वक्त पर जहां सोनाक्षी सिन्हा दबंग और दबंग 2 को लेकर लगातार चर्चा में थी, फिल्म दबंग और दबंग 2 को लेकर जहां एक तरफ सोनाक्षी सिन्हा की चर्चा लगातार होती जा रही थी, वहीं इन सब के बीच सोनाक्षी का वायरल हुआ बाथरूम MMS, जिसने उनकी जिंदगी को भी अफेक्ट किया होगा और साथ ही सोनाक्षी के करियर पर भी थोड़ा सा असर डाला। हालांकि बाद में ये MMS पूरी तरह से फेक साबित हो गया, और सोनाक्षी ने खुद एक इंटरव्यू में उन तमाम लोगों को फटकार लगाई थी जो इस तरह की फेक चीजें वायरल करते हैं, जो इस तरह की फेक चीजों को वायरल करके चर्चा बटोरने की कोशिश करते हैं। बता दें आपको, सोनाक्षी सिन्हा के वायरल MMS के बाद खबर ये आई थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ करने वाली हैं जल्द से जल्द शादी, मगर अफसोस सोनाक्षी की शादी की खबरें भी पूरी तरह से फेक ही साबित हुई। अब तक सोनाक्षी की ओर से इस शादी को लेकर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। सोनाक्षी को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या वो एक्ट्रेस बनने लायक थी? सोनाक्षी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चे लोग इसी को लेकर करते हैं कि क्या सोनाक्षी सिन्हा वाकई एक अभिनेत्री बनने लायक थी, या सलमान खान की मेहरबानी ने उन्हें यहाँ पर बना दिया। बता दें आपको, 9 साल यहाँ बॉलीवुड की दुनिया में सोनाक्षी बिता चुकी हैं, और आज भी बतौर एक्ट्रेस संघर्ष ही कर रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है, फिल्म दबंग के लिए उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला।
सोनाक्षी ने बॉलीवुड में अब तक के 9 साल के करियर में कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम कर लिया है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ राउडी राठौर में, अजय देवगन के साथ सन ऑफ सरदार में, रणवीर सिंह के साथ लुटेरा में, शाहिद कपूर के साथ आर राजकुमार में, तमाम बड़े सितारों के साथ सोनाक्षी सिन्हा स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर हैरानी तब होती है जब इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम करने के बाद भी सोनाक्षी के खाते में चुनिंदा सुपरहिट फिल्में ही आई हैं। इनमें से जिन फिल्मों को सुपरहिट टैग मिला वो पूरी तरह से मेल स्टार्स की फिल्में थी, जिसमें हीरोइनों के लिए करने लायक ज्यादा कुछ नहीं था। यूनानी सोनाक्षी सिन्हा पर ये इल्जाम भी लगता आया है कि उनकी जितनी फिल्में हिट होती हैं वो उनके अभिनय की बदौलत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिट होती हैं मेल एक्टर्स की वजह से, जैसे दबंग हिट हुई यहाँ पर सलमान खान की वजह से। बता दें आपको, सोनाक्षी सिन्हा के टैलेंट पर सवाल उठाने वाले लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए, और जिस तरीके का रोल उन्हें कलंक मूवी में मिला है जो बीते कल रिलीज हुई है, उसके बाद ये बात पूरी तरह से तय है कि इस फिल्म के बाद भी सोनाक्षी के टैलेंट पर कई तरह के सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन इन सवालों का जवाब सोनाक्षी सिन्हा किस तरीके से देती हैं जानते हैं। सोनाक्षी को लोग मोटी कहते हैं, सोनाक्षी को लोग आंटी कहते हैं, और सोनाक्षी सिन्हा इन सब के बीच में सिर्फ एक ही बात कहती हैं। वो कहती हैं कि मैं पहले इतनी ज्यादा मोटी थी, इतना कंट्रोल करके मैं फिट हुई हूँ, और अगर अब भी लोगों को लगता है कि मैं मोटी हूँ तो वो अपनी राय दे सकते हैं, वो अपनी राय अपने पास रख सकते हैं, मुझे उनकी राय से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनाक्षी के ये इंटरव्यूज, सोनाक्षी के ये विवाद, सोनाक्षी पर लगने वाले इल्जाम, इन सब के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इन सब के बीच आज सोनाक्षी सिन्हा जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, उसके पीछे की वजह है फिल्म कलंक के साथ साथ उनका एक वायरल वीडियो। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अक्सर अपने बोल्ड हॉट अंदाज को लेकर छाई रहती हैं, और हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उनका एक वीडियो छाया है। ये वीडियो काफी ज्यादा हॉट है, जिसमें उनका जबरदस्त अंदाज फैंस को देखने को मिलेगा। फैंस को ये शानदार अंदाज काफी ज्यादा भावी रहा है, कभी तो इस वीडियो को हजारों की संख्या में व्यूज मिल चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे वीडियो में इतना ज्यादा खास भला क्या है, तो भाई इस वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा स्ट्रेट हेयर लाइट कलर के आउटफिट में नजर आ रही हैं, नेक पीस उन्होंने कैरी कर रखा है, मेकअप फैंस को उनका अट्रैक्ट कर रहा है। वीडियो लेटेस्ट नहीं है, लेकिन उनका स्टाइलिश और गॉर्जियस अवतार एक बार फिर से फैंस को ये वीडियो देखने के लिए मजबूर कर रहा है। जहां एक तरफ सोनाक्षी को ट्रॉल करने वाले, सोनाक्षी की बुराई करने वाले, सोनाक्षी के हर लुक में, सोनाक्षी की हर कामयाबी में कमी ढूंढने वाले लोगों की कमी नहीं है, तो वहीं इन सब के बीच सोनाक्षी सिन्हा की तारीफें भी लोग करते हैं। सोनाक्षी सिन्हा की तारीफें करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, तभी तो सोनाक्षी के वायरल वीडियो को मिल रहे हैं इतने ज्यादा व्यूज। इन सब के बीच में सोनाक्षी सिन्हा से जुड़ी एक और बात आपको बता दे, फिलहाल सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा जो राजनीति के अखाड़े में पारी खेलने वाले हैं, सोनाक्षी अपने पिता को भी काफी ज्यादा सपोर्ट और प्रमोट कर रही हैं। तो ये थी बाथरूम एमएमएस जो वायरल हुआ था, उससे लेकर सोनाक्षी सिन्हा की ट्रोलिंग तक वो सारी खबरें जो दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा एट लास्ट अपने एक्शंस और अपने रिएक्शंस से ये बात साबित कर देती हैं कि हार नहीं मानेंगी वो, चलती ही जाएंगी वो, और एक दिन बन जाएंगी बिल्कुल नंबर वन। सवाल उठाने वाले तो सवाल उठाएंगे, लेकिन सोनाक्षी ने भी ठान ली है, हार नहीं मानूंगी मैं, चलती ही जाऊंगी मैं, बन जाऊंगी नंबर वन। तो फिलहाल इंतजार रहेगा सोनाक्षी की उस फिल्म का जो वाकई उन्हें नंबर वन बना जाए, और ये फिल्म उनके क्रिटिसाइजर्स का मुंह भी बंद कर जाए। दोस्तों आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बताया हमने आपको सोनाक्षी सिन्हा की जिंदगी के 9 साल बॉलीवुड की दुनिया में कितने कॉन्ट्रोवर्शियल बीते हैं, और सोनाक्षी के सामने इन 9 सालों में कितनी मुसीबतें खड़ी हुई हैं। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, ले रहे हैं आपसे विदा इस वादे के साथ, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहें अपडेटेड।